For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys and welcome to Movies Adda. This is Jyoti Nahak. Well, आजकल Bollywood में हर कोई सरोगेसी के थ्रू बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, चाहे फिर वो तुषार कपूर हो, एकता कपूर हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, या फिर नया नाम जो कि लिस्ट में ऐड हुआ है वो है सलमान खान। जी हाँ, यानी कि आपके और हम सबके प्यारे भाईजान, मेरे नहीं लेकिन आप लोगों के, सलमान खान का नाम इस लिस्ट में ऐड हो चुका है। और ऐसी अफवाह है, उड़ती उड़ती खबर आई है सूत्रों के मुताबिक कि सलमान खान सरोगेसी के थ्रू बच्चा अडॉप्ट करने वाले हैं। वेल, अब ये कितना सच है कितना नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जैसे ही ये कहानी सच होगी तब देखने लायक बात होगी कि सलमान अपने बच्चे के साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि सलमान खान को बच्चों से कितना प्यार है ये तो सभी जानते हैं, पूरा देश इस चीज़ से वाकिफ है। लेकिन यहाँ मैं आई हूँ ऑडियंस की राय जानने, उनका ओपिनियन लेने इस चीज़ पर कि क्या सरोगेसी बॉलीवुड के वजह से इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर हुई है या फिर लोग अवेयर हुए हैं सरोगेसी के बारे में, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ आजकल इस चीज़ को इतना ज़्यादा पॉपुलर कर रहे हैं और फेमस भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा तरीका है फैमिली बढ़ाने का। सो चलिए बात करते हैं जनता से और जानते हैं जनता की राय। सलमान खान इज़ द न्यू नेम विच हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि डू यू थिंक उनको अब शादी कर लेनी चाहिए या फिर अडॉप्टिंग अ बेबी थ्रू सरोगेसी इज़ फाइन? शादी इज़ अ वेरी पर्सनल मैटर टू बी ऑनेस्ट, सो आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं बोलूँगी उनको शादी कर लेनी चाहिए। इफ़ इज़ हैप्पी इन हिज सिंगल लाइफ लेट हिम बी। आई वुड से उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया इनफैक्ट, बिकॉज हर किसी को एक कोई ना कोई यू नो यू नीड अ सोल टू बी विथ एंड दैट्स मे बी येस वो तो हम सब जानते हैं उनको बच्चा कितना पसंद है, बच्चे बहुत पसंद है उनको, तो इस वजह से ही सही। बट ही विल हैव अ किड, सो इट्स अ नाइस थिंग बिकॉज ही कैन लुक फॉरवर्ड फॉर समथिंग मोटिवेटिंग इन हिज लाइफ। येस आई थिंक इट वुड बी माई सिमिलर ओपिनियन अगेन, देन ही शुड हैव अडॉप्टेड बिकॉज ही इज रनिंग सच अ ह्यूज यू नो चाइल्ड, या बीइंग ह्यूमन ही इज रनिंग सच अ ह्यूज चैरिटी, सो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ बेटर एग्जाम्पल इफ ही हैड अडॉप्टेड अ चाइल्ड instead of going for surrogacy. Again, I think there is so much of hype around when he's looking at getting married, and with that I think if it's again giving a person his own space and decision making whether he wanna have he should get married because he's the epitome of being bachelor. I think not just women, even men will get hurt if he's getting married. So I think it's a personal choice again. Very happy. I mean, there's so much money that he has anyway, and if it's going to help more people, and if he wants to look at having a complete family, why not? शादी का तो मुझे पता नहीं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है और सरोगेसी भी उनकी पर्सनल चॉइस ही है, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगी, but just that कि he आई बिलीव कि वो बहुत सारी सोशल चीज़ें भी करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि अगर ये उनकी पर्सनल चॉइस है तो मैं उनकी चॉइस को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सब इंडिविजुअल की चॉइस को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती कि भाई ये कर रहा है तो ये गलत है, वो कर रहा है तो गलत है, बट एज एन इंडिविजुअल ये मेरी ओपिनियन है कि दे शुड अडॉप्ट रादर देन सरोगेसी। मेरे को जनरली पता नहीं था इस बारे में, आपने मुझे बोला है, अभी उनकी एज हो गई है, अब वो शादी तो करेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली उनको तो वैसे ही बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उनको करना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग बीइंग अ पेरेंट, राइट? सो इफ ही वांट्स टू बिकम अ फादर एंड इफ ही डजंट वांट दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट इन अ रिलेशनशिप, व्हाटएवर, यू नो, इट्स कम्प्लीटली, नो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ब्यूटिफुल। या शादी क्या, अपनी अपनी लाइफ है, ऑन स्क्रीन तो रोमांस करते ही है, वो अच्छी बात है, वो तो अब शादी नहीं करते हैं ये भी अच्छी बात है, और कर ले और ये भी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक बात है, क्या कहा था आपने, ये उन्हें मतलब वो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कर लेनी चाहिए? नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ है, इसमें नो कमेंट्स, ये शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उनका पर्सनल लाइफ है, लेकिन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, अब टाइम आ गया है। ऑल्सो यू नो, डू यू थिंक बॉलीवुड के वजह से, यानी कि एक्टर्स के वजह से इंडिया में कहीं ना कहीं पीपल आर गेटिंग टू नो मोर अबाउट सरोगेसी, बिकॉज अर्लियर पीपल वर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट सरोगेसी, बट नाउअडेज क्योंकि सेलिब्रिटीज इस चीज़ को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इट इज़ बीइंग नोटिस्ड। वेल, अवेयर हो रहे हैं। अवेयरनेस, एक्चुअली इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बीइंग अ वेरी मॉडर्न कल्चर, अ वेरी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बीइंग अ वेरी मॉडर्न कल्चर। सरोगेसी तब भी थी लाइक इन एंशियंट इंडिया, इफ़ यू एक्चुअली गो थ्रू रामायण एंड महाभारत, बट देन अगेन येस, गिवन द करंट सिनेरियो ऑफ सिचुएशंस, येस, सरोगेसी इज़ बीइंग पॉपुलराइज अगेन बाई दीज सेलिब्रिटीज, सो या। मैं किसी को सेलिब्रिटी को ऐसे ब्लेम तो नहीं करूँगी कि उन्होंने प्रमोट किया, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, बट अकॉर्डिंग टू मी
एज एन इंडिविजुअल आई फील दैट अगर ऐसा है तो दे शुड नॉट गो फॉर सरोगेसी बट दे शुड लाइक यू नो अडॉप्ट किड्स जो जिनको ज़रूरत है, जिनको फैमिली की ज़रूरत है, जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, जिनको अच्छी अपब्रिंगिंग की ज़रूरत है. सी व्हेन सेलिब्रिटीज़ डू इट ऑब्वियसली द होल स्टिग्मा दैट इज़ अराउंड सरोगेसी दैट काइंड ऑफ यू नो टेक्स अ बैक सीट एंड कंसीडरिंग द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग दे हैव आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग. आई थिंक इट ओपन्स अप for common people to also probably explore if they want to because I see a lot of people being so disappointed about not having kids. So yeah. If this can, you know, give that kind of a confidence and families start accepting these things, I think it's nice, good for the society. नहीं ना अच्छी बात है लेकिन ये चीज़ जो है ना ये celebrities तक ही है, ये आम लोगों तक normal समाज या middle class तक अभी तक नहीं पहुँची है. एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसका cost बहुत ज़्यादा high है और ये कोई भी सरोगेसी मदर होती है या कोई भी करवाना चाहता है तो इसके पीछे पूरा इतिहास देखा जाता है कि भाई क्या है नहीं है, इनके जनरेशन क्या है, इनका जेनेटिक क्या है, उसके अनुसार लोग करवाते हैं. लेकिन अभी भी नॉर्मल सोसाइटी में ये चलन अभी ज़्यादा ये विख्यात नहीं हुआ कि हाँ मुझे करवाना ही करवाना है. लोग अंत में जाकर लास्ट में सोचते कि हाँ मुझे औलाद नहीं हो रहा है या कोई चांसेस नहीं है तो ऐसे साइंस का लोग सोचते कि यार ऐसा उपयोग किया जाए साइंस का, ऐसा ही कुछ है. या एंड आई थिंक इट्स टोटली अ वेरी गुड थिंग फॉर पीपल हु आर नॉट एबल टू हैव चाइल्ड यू नो थ्रू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ या सो डेटिंग या मीटिंग बेसिकली इट्स वेरी गुड दे हैव होप यू नो एंड या आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ गेटिंग अनदर पर्सन इन योर लाइफ सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट या व्हाई नॉट. लास्टली सलमान के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक ही विल बी अ वेरी गुड फादर. तो देखा आपने जनता क्या कह रही है इस बारे में. वेल सभी लोग खुश हैं कि सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान या फिर जितने भी एक्टर्स हैं सभी सरोगेसी के थ्रू बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है भाई. जितनी बड़ी फैमिली उतनी ज़्यादा खुशियाँ, तो सब साथ में बैठ के इंजॉय करेंगे ऑफकोर्स. और क्या करेंगे, और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखेंगे और साथ ही साथ मूवीज अड्डा देखेंगे. लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा. सो प्लीज़ हमारे चैनल पे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आपके क्या ओपिनियन है इस चीज़ पर, अपने ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर कीजिए वीडियो के नीचे कॉमेंट्स करके. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल मूवीज अड्डा. दिस इज हू ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.